हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि टीवीएस सेंटोर की जो नंबर प्लेट लाइट है वहाँ पे हैलोजन लाइट लगा हुआ है, उसको कैसे चेंज करके एलईडी लाइट इंस्टॉल किया जाए। तो आज उसी विषय के ऊपर पूरा वीडियो है, आप लोग पूरा वीडियो देखना। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारी एंटोर की जो नंबर प्लेट लाइट है हैलोजन लाइट, ये लाइट ज़्यादा करंट लेती है, अच्छा सा क्वालिटी का जो लाइट प्रोवाइड वो नहीं करता है। तो हमारी एंटोर के ऊपर पूरा सब बल्ब जो है एलईडी लाइट के ऊपर है, और यही एक था हैलोजन लाइट, इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो चलिए गाइस, इसको चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस, हमारी एलईडी लाइट चेंज करने के लिए हमारी जो सीट का जो टूल है पूरा खोलना है। यहाँ पे दो स्क्रूप है 10 mm की, और इसको ऊपर दो स्क्रूप है यहाँ पे, तो ये अनस्क्रूप कर लेना है। 10 mm की रेंज से हम लोग इसको अनस्क्रूप करेंगे। तो गैस, हम लोग इस डिगी को खोल लेंगे। डिगी खोलने के लिए हम लोगों को जो OBD जैक है उसका कपलर खोलना है, और ये लाइट का कपलर है डिगी के अंदर की, और एक है सेंसर की। अच्छा से खोलना, नहीं तो तार निकल जाएगा वहाँ से। ये दो 12 mm की बोल्ट अनस्क्रूप करने से ये हैंडल निकल जाएगा। उसके बाद ये एलन की बोल्ट आप लोगों को अनस्क्रूप करना है। नीचे का जो दो बोल्ट है इसको भी अनस्क्रूप करना है। दोनों साइड का एलन की बोल्ट अनस्क्रूप कर लेना है। अनस्क्रूप करने के बाद बाहर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पे जो लक रहती है ये वाला एक, और इस साइड पे एक है, ये टालने से निकल जाएगा। यहाँ पे जो 4 स्क्रूप है ये 4 स्क्रूप का अनस्क्रूप कर लेना है। उसके बाद ये प्लास्टिक खोल जाएगा। यहाँ पे जो 4 स्क्रूप है ये हम लोग खोल लिया हूँ। यहाँ पे था और इधर 3 था। इसके नीचे राइट साइड में प्लास्टिक का एक स्क्रूप रहता है दोनों साइड, ये भी आप लोगों को खोल लेना है, नहीं तो आप लोगों का जो प्लास्टिक का पार्ट है दोनों साइड के नहीं ओपन होंगे। उसके बाद ये बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। आप लोग जो प्लास्टिक का पार्ट है सावधानी से करना होगा, ये पूरा प्लास्टिक का पार्ट है, नहीं तो टूट जाने का संभावना है। तो गाइस, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये है हमारी नंबर प्लेट लाइट खोलने के बाद ऐसे दिखता है। इसके बाद यहाँ पे 2 स्क्रूप रहता है, एक और राइट साइड पे और एक खोल लेना है आप लोगों को। खोलने के बाद ऊपर का जो कवर है वो ऐसे करके नीचे की तरफ खींचेंगे। खींचने के बाद जो नंबर प्लेट एलईडी लाइट लगाने का जैक है वो आप लोगों को दिख जाएगा। वो बाहर की तरफ लेफ्ट साइड में घुमाने के बाद खींचेंगे तो ये पूरा बाहर की तरफ निकल आ जाएगा। जैसे मैं करता हूँ ऐसा ही आप लोग करना। ये है हमारी पीछे का नंबर प्लेट का वायर, इसको थोड़ा सा यहाँ से निकल लीजिएगा। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में घुमाने के बाद बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये पूरा हैलोजन बल्ब निकल आएगा। ऐसा ही देखने का मिलेगा आप लोगों को। और ये बल्ब सामने की तरफ खींचेंगे तो पूरा निकल जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट प्लस माइनस की एक कनेक्शन की ध्यान रखना होगा आप लोगों को जब इंस्टॉल करेंगे एलईडी लाइट। ये हमारी एलईडी लाइट है, ये हम लोग ऑफलाइन से 20 rupees में ख़रीदा हूँ। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड से ले सकते हो। अभी इंस्टॉल कर। तो गाइस, गाड़ी को फुल पैकिंग करने से पहले आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है प्लस माइनस की जो कनेक्शन है घूम गया कि नहीं घूमा। तो आप लोग एक बार कनेक्शन लगा के लाइट लगा के चेक कर लेना, नहीं तो आप लोगों को फिर खोलना होगा। अभी तो हम लोग का ठीक ठाक ही है, हम लोग ठीक ही लगाया हूँ। अभी हम लोग पूरा पैकिंग कर देंगे और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो गाइस, लाइट लगाने के बाद इस सामने का जो होल है
लाइट की होल में डाल के लाइट साइड पे घुमाने से ये पूरा लॉक हो जाती है लाइट। और उसके बाद इसका जो दो स्क्रू है वो लगा देना, ठीक है। हम लोग लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ, ऐसा ही है। तो गाइस नाइट के टाइम कितना इसका विजिबिलिटी है एलईडी लाइट का देख लीजिए, बहुत जो हैलोजन लाइट रहता है उससे 100 गुना अच्छा है। देख लीजिए हमारा हाथ कितना क्लियरिटी देख पा रही है, हमारे जो नंबर प्लेट कवर दिया गया है उसी के इधर से कितना अच्छा लुक आती है। तो हमारी जो हैलोजन लाइट है वो भी रख दिया हूँ। तो इसका जो एलईडी लाइट है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके ले सकते हो, और लोकल मार्केट से लेंगे तो मेरे को बड़ा 20 रुपीस। देख लीजिए कितना अच्छा लुक आ रही है। और हमारी जो पीछे का टेल लाइट वो हम लोग कपड़ा का मदद से छुपा हुआ है, तो इसको दिखा देता हूँ, ऐसा लुक आती है, ठीक है। डे के टाइम इसका विजिबिलिटी थोड़ा आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। तो गाइस कैसे लगा आज का वीडियो आप लोग देखा, तो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड लोग को हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग एंटॉर्क यूज़ करते हैं उसी लोगों को नंबर प्लेट एलईडी लाइट चेंज करना आसान हो जाएगी। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नाइट के टाइम जो लुक है आप लोग देख लिया, डिफरेंस कितना है और कितना अच्छा लुक आती है वो भी पूरा देख लिया। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारे गांव के अंदर कितना अच्छा ग्रीनरी है, अभी देख लीजिए। और हमारी एंटॉर्क यहाँ पे खड़ा है, ठीक है।